दोस्तों, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा और झूठी प्रीत हमारी हो, और प्रीत के इस रोग में सांस भी हम पे भारी हो। एक तरफ मुस्कुराती हुई ज़िंदगी और दूसरी तरफ भारी पड़ती सांस। और फ़र्ज़ कीजिए कि आपको उस वक्त आपके घर के आसपास कहीं कोई राहत मिले, एक ऐसा अस्पताल मिले जो तमाम सुविधाओं के साथ सुसज्जित हो और आपकी देखभाल कर सके, आपका ख्याल रख सके। तो दोस्तों, आज हमें कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल में, जो कि दुनिया भर में अपनी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना जाता है और साथ ही में कार्डियोलॉजी में भी एक उच्च कोटि का स्थान रखता है, और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं, मैं उनकी कहानी आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि रात को शायद 1 या 1.5 बजे का वक्त रहा होगा और उन्होंने अपने सीने में, अपने चेस्ट में कुछ डिसकम्फर्ट पाया और उनको ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें खदशा हुआ, उन्हें एक अंदेशा हुआ और वो अपने नज़दीक के एक नर्सिंग होम में गए, जहाँ पर उन्हें हिदायत मिली कि शायद उनके दिल से या उनके हृदय से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी, खुद गाड़ी ड्राइव करके ये शेल्बी हॉस्पिटल, कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर तुरंत इनकी जाँच करवाई गई। और तमाम किस्सा मैं खुद बयां करूं, उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अजय जी को। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। अजय जी, आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था और आपने क्या डिसीजन लिया? पहले तो मुझे 17 तारीख रात को करीबन 12 बजे हार्ट में थोड़ा पेन हुआ। मुझे लगा कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और मे भी कुछ एसिडिटी जैसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे फील हुआ जी। मैं 1 घंटे तक तो घूमता रहा मेरे कमरे में, फिर भी कुछ कम नहीं हुआ। फिर मैंने रूम के बाहर गया तो पसीना छूटने लगा थोड़ा, तो मुझे डाउट लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैंने उठ फैमिली वाले को कुछ इन्फॉर्म किया कि चलते कुछ हॉस्पिटल। तो हम गए नज़दीक एक हॉस्पिटल में, जो छोटी एक हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने कार्ड मेडिसिन दी और बोला कि आपको कुछ नहीं हो जाएगा। फिर भी हमने बोला कि ECG कर दो। के एक ECG किया तो उनका कुछ डाउट लगा। फिर उन्होंने कहा भी आप इधर कुछ नहीं होगा, एक बड़ी कोई हॉस्पिटल में चले जाओ आप, जहाँ पे कैथ लैब हो या कुछ हार्ट की जो कॉल कर सके हो। तो हम इधर नज़दीक हॉस्पिटल, हमारे जो कृष्णा शेल्बी है, वहाँ पर आए। वहाँ तुरंत हमको कुछ एंजियोग्राफी किया और तुरंत ही बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है, और स्टार्ट कर दिया हमको। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हो जाएगा, डिसीजन फास्ट ले लिया। तो डॉक्टर ने भी सब ट्रीटमेंट चालू कर दिया और बोला कि अभी कुछ नहीं है आपको, यू आर सेफ। अजय जी, आप हमें एक बात बताइए कि जब आपको घबराहट हो रही थी, आप एक पास के छोटे से नर्सिंग होम में गए थे, तो उस वक्त जाहिर है अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाऊँगा उस वक्त, तो आपको कैसे पता पड़ा कि बगल में कृष्णा हॉस्पिटल है जो सारे कैथ लैब के साथ सुसज्जित है? ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची? उन्होंने 2 हॉस्पिटल सजेस्ट किए थे जी जी, वी चूज दिस कृष्णा शेल्बी जी जी जी। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल चूज़ किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित है। यहां पर हर तरह की बीमारी का संपूर्ण रूप से इलाज किया जाता है, निदान किया जाता है। और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो कि हमारे कृष्णा शेल्बी के साथ काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड हैं, यहाँ के नामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने एक फ़ोन पर रात को 2 बजे अपनी नींद की परवाह नहीं करी, समय की परवाह नहीं करी, और वो हॉस्पिटल में तुरंत पहुँचे। और उन्होंने अजय जी को जो भी मेडिकल एडवाइस होती है या जो भी मेडिकल स्टेप्स होते हैं वो लिए और अजय जी को एक नया जीवन प्रदान किया। तो मिलते हैं डॉक्टर अभिमन्यु कोठारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज अजय जी भी हैं हमारे सामने और कीर्ति जी भी हैं। और डॉक्टर साहब, आपने इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जो कारनामा किया है और जो आपने महारत हासिल की है, हमें बताइए कि अजय जी का केस आप तक कैसे पहुंचा और आपने किस तरह से अपनी मेडिकल एक्सपर्टी से इनकी जान बचाई?
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अभी रात को 2:30 बजे होंगे शायद, और मेरा फ़ोन बजा, मुझे कृष्णा शेल्बी के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर होता है उनका कॉल आया जी कि सर एक पेशेंट आया है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, परस्पिरेशन हो रहा है, उनका ECG हमने दिया है, आपको ECG भेजा है, आप ECG देख के बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हमें कुछ सीरियस लग रहा है पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए जी। तो मैंने ECG देखा, ECG में हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक जी, तो ECG में हार्ट अटैक दिखा रहा था जी। तो मैंने तुरंत ही मेडिकल ऑफिसर को कॉल बैक किया और उनको बोला कि पेशेंट को हार्ट अटैक है जी, तो इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करके जो नली बंद है वो नली हमें खोलनी पड़े और पेशेंट को आप समझाओ कि ऐसा करने की ज़रूरत है जी। उन्होंने पेशेंट को समझाया और पेशेंट के रिलेटिव्स और पेशेंट तुरंत विलिंग हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जी कि पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स तुरंत विलिंग हो गए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी को डॉक्टर या हॉस्पिटल पे ट्रस्ट इतना नहीं रहा जितना 10 साल पहले था जी, 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 जी। और हमारी लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पहले 3 आवर्स को बोलते हैं गोल्डन आवर्स जी जी। ये गोल्डन आर्ट्स में अगर पेशेंट की नली खुल जाए जी, तो उसको हार्ट को मिनिमम डैमेज होता है और जो डैमेज हुआ होता है वो भी रिकवर हो सकता है। ये तर तो पेशेंट के रिलेटिव तुरंत एग्री हो गए जी, तो मैं तुरंत घर से हॉस्पिटल आ गया और पेशेंट को एंजियोग्राफी में लिया। सो डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल बीच में पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता पड़ा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उस वक्त इनकी क्या हालत थी? पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली स्टेबल, उनको थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा था, बाकी वाइटल एकदम स्टेबल थे, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल था, हार्ट रेट एकदम नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल था। एंड ही हिमसेल्फ ड्रू कार टू द हॉस्पिटल। आइडियली पेशेंट को कार नहीं चलानी चाहिए, पर पेशेंट वॉज अपेरेंटली स्टेबल, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेटिव्स जल्दी नहीं मानते। 50% ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स आर कमिंग विथ गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, तो उनको ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल हमें उल्लू बना रहे और हमें बाटली में उतार रहे जी, जी। बराबर ऐसा ही 50% पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव जी सोचते और दूसरा ओपिनियन ले रहे, दूसरी हॉस्पिटल चले जाते हैं जी, जी। और बीच में को क्या होता है हमें पता नहीं चलता है। तो कीर्ति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और हमें आगे के स्टेप्स लेने हैं, तो आपने आनन फानन में या तुरंत ये डिसीजन कैसे लिया कि हम यहीं पर इस प्रॉब्लम का इलाज कराएंगे? बेसिकली ये बहुत टॉलरेट कर सकते हैं ऑलवेज, इनको कुछ भी होता है ये रिएक्ट नहीं करते जी, जी। उस वक्त आधी रात को उन्होंने जब मुझे जगाया, आई वॉज थिंकिंग कि ये थोड़ा सीवियर होगा जी जी। एंड देन जब डॉक्टर, जब हमें जो नर्सिंग होम में बताया कि माइनर है, यहाँ के असिस्टेंट डॉक्टर या जो इमरजेंसी थे डॉक्टर, उन्होंने बताया कि ये मेजर है, एक मेजर अटैक जी। और जब हम डॉक्टर से मिले दैट टाइम, हॉस्पिटल्स में सारे लोग आने लगे, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि ये सब पेशेंट के रिलेटिव्स आधी रात को आ रहे हैं, देन आई रियलाइज कि ये इनकी टीम है जी। सो इफ दे आर सो सीरियस, वी हैव टू बी वेरी सीरियस। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही एक फ़र्क होता है एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में और एक स्पेशलिस्ट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं या अगर आप अपने की बीमारी का निदान करवा रहे हैं, तो वो तुरंत पकड़ता है उसे और सही समय पर। देखिए, वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह की इमरजेंसीज में, और सही समय पर सही कंसल्टेंट के द्वारा सही हॉस्पिटल में सही निदान अजय जी को मिला, और अजय जी आज आपके सामने हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आज अजय जी और कीर्ति जी की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं इस मैरिज एनिवर्सरी पर। तो डॉक्टर साहब, बदौलत आपके आज ये मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें बताइए डॉक्टर साहब कि आगे के क्या स्टेप्स थे? यहाँ आने के बाद मैंने पेशेंट का इको देखा, इको मतलब हार्ट की सोनोग्राफी, जिसमें हमें हार्ट का पंपिंग, वाल और वो सब पता चलता है जी, जी। तो उनका हार्ट का पंपिंग भी कंपेरेटिवली अच्छा था जी। तो मैंने सोचा कि इट वुड बी, हमारे लिए ये कॉमन होता है कि रात को अटैक आता है, इट वुड बी अ केक वॉक फॉर अस, 15-20 मिनट में एंजियोग्राफी करके जो नली बंद हो कि हम खोल देंगे। अटैक तभी आता है जब हार्ट को सप्लाई करती 3 नलियों में से कोई एक नली 100% बंद हो जाए जी, जी। तब भी अटैक आता है, उसके पहले अटैक नहीं आता है जी, जी। तो वी वेर नोइंग कि एक नली तो 100% बंद होगी, बट लुकिंग एट द पेशेंट, ही वॉज वाइटली एब्सोल्युटली स्टेबल, ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग ऑफ पेन, सो आई थॉट कि इट वुड बी अ केक वॉक, सो वी टूक हिम इन टू द कैथ लैब एंड स्टार्टेड एंजियोग्राफी। वी जस्ट कम्प्लीटेड एंजियोग्राफी एंड फिर रिलेटिव को बुलाया कि उनकी राइट साइड की नली 100% ब्लॉक है, उसमें वायर करके, बलून करके वो नली को खोल के स्टैंड रखना पड़े। दे एग्रीड इमीडिएटली, बट एज सून एज दे वेंट आउट एंड वी एंटर्ड इन टू द कैथ लैब,
पेशेंट सडनली कॉलेप्स, उनके हार्ट रेट 90 थे, वो जाके डायरेक्ट 20 हो गए और हमें CPR देना पड़ा। आपने देखा होगा कि हार्ट का पंपिंग करना पड़ा और एक शॉक भी देना पड़ा। जी। फिर हमने इमरजेंसी में क्रिटिकल केयर टीम को भी बुलाया, उन्होंने उसको टेक केयर किया, वो पेशेंट का हार्ट रेट देख रहे थे, BP देख रहे थे, और मैं अपनी प्रोसीजर मैंने इमीजिएटली शुरू की और जो नली बंद थी उसको इमीजिएटली खोल के स्टैंड रख के नली खोल दी और पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली फाइन अंटिल द प्रोसीजर वॉज कम्प्लीटेड। तो डॉक्टर साहब, मैं खुद घबरा रहा हूँ ये सवाल पूछते हुए आपसे कि जब अजय जी की हार्ट बीट 90 थी और धीरे धीरे नब्ज नीचे आई, हार्ट बीट कम हुई, 20 तक आ गए जैसा आपने बताया, और आपने CPR दिया और शॉक भी दिया, तो वो क्या चीज़ थी डॉक्टर साहब जिससे वापस आए यहाँ पर, जिससे ये ज़िंदगी में फिर से लौटे? देखो, जैसे ही हमने शॉक दिया जी और हमने तुरंत ही एंजियोप्लास्टी शुरू कर दी जी। जो नली बंद थी, मेरे माइंड में आ गया कि जो नली बंद है उसको हम खोलेंगे नहीं तो पेशेंट वुड सकम इन 5 or 7 minutes। जी जी। सो इमीजिएटली हमने नली खोल दी और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ स्टैंड रख के हार्ट को ब्लड फ्लो शुरू कर दिया, बहुत तो पेशेंट सर्वाइव। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि जो आपने राइट डिसीजन और जो आपने अब तक मरीजों के साथ अपना आपका तजुर्बा है, जो पढ़ाई की है या जो एक्सपर्टी है आपने, वो अप्लाई कर दी और अजय जी और कीर्ति जी आज हमारे सामने हैं, तो दोस्तों ये जो एक्सपर्टी है या जो डिसीजन है वो एकदम नहीं आता, वो तजर्बे के साथ आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृष्णा शैलवी हॉस्पिटल में सारे के सारे डॉक्टर, सारे के सारे कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और उन्होंने एक ही नहीं, काफ़ी जिंदगियों पे मुस्कान लेकर आए हैं वो। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जब आपने अपने एक्सपर्टी लगाई और अजय जी फिर से नॉर्मल हुए, तो कितना समय लगा इनको कैथ लैब से वार्ड में और वार्ड से घर जाने में? कैथ लैब से वार्ड में जाने में हार्डली 45 minutes to 1 hour। अच्छा। एंड ही वॉज डिस्चार्ज इन 72 hours आई थिंक, 3 दिन में। जल्दी? 3 दिन में ही वॉज डिस्चार्ज। पर डॉक्टर साहब ऐसा सुना जाता है कि मतलब ऐसा 3 दिन इज वेरी हाई, सॉरी टू इंटरव्यू। जी जी। वी यूजुअली डिस्चार्ज द पेशेंट इफ पेशेंट प्रोसीजर इज अनइवेंटफुल, वी यूजुअली डिस्चार्ज द पेशेंट इन 48 hours। अच्छा। बट एज हिज प्रोसीजर वॉज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, वी एक्सटेंडेड द स्टे बाई 24 hours, अदरवाइज ही वुड हैव डिस्चार्ज बाई 48 hours। जी बहुत खूब। और डॉक्टर साहब ऐसी भ्रांति है कि अगर दिल में कहीं कुछ खराबी हो या हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट 2-3 महीने बिस्तर से उठता ही नहीं है, पेशेंट को सारी की सारी चीज़ें बिस्तर पे दी जाती है, तो इसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम। जी। टाइम एंड डिसीजन। अगर आप जल्दी डिसीजन ले लीजिए और जल्दी टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच जाए तो पेशेंट को जल्दी रिकवरी मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप समय मत गंवाएं, अगर आपको ऐसा कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है, आपको लगता है कि मुझे तुरंत एक चिकित्सक सलाह की ज़रूरत है, तो आप समय मत गंवाएं और आप अपने चिकित्सक खुद मत बने। एक चिकित्सा का मुहावरा है कि अपने चिकित्सक खुद मत बने, और जो आपको एक्सपर्ट सलाह देते हैं उस सलाह को आप मानें और आगे का ट्रीटमेंट प्लान करें। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि इस तरह के केस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? देखो, हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजंस है, और स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेरिडिटरी, मतलब आपको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, फिर भी आपको यंग एज में अटैक आता है। जी। आपके फादर मदर को हो सकता है तो आपको 10 साल जल्दी आ सकता है। जी। फिर कोई भी जात का एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, टोबेको, एंड आज की लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज है वो स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल एंड जंक फूड, दिस 3 reasons आर वेरी इम्पोर्टेंट इन टूडेज लाइफस्टाइल। जो हम यंग अटैक वाले पेशेंट देखते हैं वो ये 3 reasons में से कोई एक रीज़न होता है। जी 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 जी, बहुत बेहतर। तो अजय जी आप हमें बताइए कि जैसे आप घर पहुँचे, आपने कितने दिनों में अपना काम या नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी? मैंने हार्डली 3 या 4 दिन में। अच्छा। डॉक्टर साहब ने बताया था ऐसे एक हफ्ता आराम करो। जी। इतना भी नहीं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपनी लाइफ जो भी है रह सकते हो। फिर भी 3-4 दिन फेस्ट किया, मैक्सिमम 1 week। जी। नॉर्मली घर बैठ के ही मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, ऑफिस नहीं जाता था। जी। वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही लाइफ, जैसे कुछ हुआ नहीं। जी। ऐसे ही रह रहा था, बाकी कुछ
कोई टेंशन नहीं, ऐसा ही बस। जी जी, और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो हम कैमरे में नहीं लेंगे, अपने दर्शकों को नहीं बताएंगे, तो कीर्ति जी की डांट कितनी बार पड़ती थी आपको? एक भी बार नहीं, बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं। जी तो कीर्ति, उन्होंने ही बताया था ये मालूम नहीं कैसे, डॉक्टर साहब ने पूछा था, किसी ने पूछा था, मालूम नहीं कि भाई क्या करना है, डिसीजन लेना है एंजियोग्राफी के बाद, इन्होंने ही बताया था कि आपके बड़े भाई है, ऐसे जो ट्रीटमेंट करना है आपके बड़े भाई की तरह कर लेना। जी, हमको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो डॉक्टर साहब, अभिमन्यु, डॉक्टर अभिमन्यु ने की बदौलत आपको नई जिंदगी मिली है? हाँ, और मेरी बदौलत नहीं मिली है, हम तो सिर्फ जरिया है जी, वो मालिक वाला मालिक है, जरिया है, तो हमारा मैक्सिमम ट्राई करते हैं। मेरी हमारी बदौलत किसी को जिंदगी मिली ऐसा नहीं है, पर हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को बेनिफिट। डॉक्टर अभिमन्यु, मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट एक्सपीरियंस सही उस वक्त नहीं होता तो शायद कुछ और भी हो सकता था, तो वो जो आपने तुरंत अपनी एक्सपर्टी लगाई और इनका अजय जी की जान बचाई, वो काबिले तारीफ है। और मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि फिर कहना चाहूँगा कि देर नहीं करें, कभी भी कुछ भी होता तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें और एक्सपर्ट ओपिनियन लें। अजय जी, जाने से पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ हमारे दोस्तों के लिए, आपका अगर कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। मैं तो बताऊँगा, ऐसा कुछ है कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अभी इधर एक, मुझे तो इधर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है, कृष्णा सेल्वी का जी, इधर है तो आप 100% मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इधर आए, मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा इधर, बॉटम लेवल टू टॉप लेवल तक का, पहले भी बताया अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी तरह की तकलीफ नहीं हुआ मुझे इधर, कोई ऐसा कोई कंप्लेन ही नहीं है कोई ऐसा, द बेस्ट मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा जी। और डॉक्टर अभिमन्यु, आप अगर अपने दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि किस तरह से हार्ट की बीमारी को रोका जा सकता है? देखो, हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए वी हैव टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली वॉकिंग ऑफ 30 to 40 minutes, एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के स्मोकिंग हमें अवॉइड करने चाहिए, और बाहर का जंक फूड हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर अभिमन्यु, आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, समय पर सोएं, समय पर उठें, वॉक करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने दिल की धड़कन सुननी है तो डॉक्टर अभिमन्यु को एक बार कॉन्टैक्ट करें, कृष्णा शेल्वी को कॉन्टैक्ट करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुक्रिया।